सो हे गाइज व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज रविंद्र ब्लॉगर। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और अभी मैं हूँ ग्राम जमुआ में। और एक्चुअली आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट 10 सालों से यह जो रोड है इसका काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी, बट आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ था। लेकिन आज महिलाओं ने वो कर दिखाया है, जो कि मतलब कितना भी तारीफ करूँ कम है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट में आगे एक जल मीनार है, और जल मीनार से 10 कदम पीछे एक बर का पेड़ है। वहाँ से लेकर के सीधा रेलवे लाइन तक कोई कच्ची सड़क नहीं थी। यहाँ पे एक छोटी सी पतली सड़क थी जिसमें आप बाइक तो दूर की बात है, सिर्फ साइकिल ही आप पार कर सकते थे। बट वहाँ से लेकर के रेलवे लाइन तक सीधा एक कच्ची सड़क का निर्माण किया जा रहा है। और एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा। स्वयं सहायता के समूह द्वारा महिलाओं ने वो चीज़ कर दिखाया है जो कितना भी तारीफ करूँ कम होगा। और फिलहाल अभी एक कच्ची सड़क का निर्माण किया जा रहा है, और इस कच्ची सड़क के निर्माण में आई थिंक मेरे ख्याल से महिलाओं का ज़्यादा मतलब बढ़ चढ़ कर सपोर्ट रहा है, और उन्हीं लोगों की वजह से यह जो रोड है सक्सेसफुल हुआ है। तो अभी फ़िलहाल में उधर मिट्टी गिराया जा रहा है, अभी मैं उधर आपको ले कर चलूँगा। और एक चीज़ कहा जाता है कि जो पुरुष नहीं कर सकते हैं वो महिलाओं ने कर दिखाया है। एक्चुअली संविधान में महिलाओं का बराबर का दर्जा दिया गया है, और वैसे भी महिलाओं का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रहा है हर क्षेत्र में। आज ही महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है, कदम से कदम कंधा मिलाकर चलती नज़र आ रही हैं हर क्षेत्र में महिला। और अभी आप देख सकते हैं जो रोड है अभी इसका फिलहाल निर्माण किया जा रहा है, और आगे मिट्टी वगैरह गिर रहा है। तो अभी मैं इस रोड के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि एक समय का दौर हुआ करता था जब बारिश वगैरह होती थी तो यहाँ पे इस रोड पे काफ़ी ज़्यादा कीचड़ हो जाता था। तो आने जाने वाले राहगीरों को और यहाँ के लगभग 80+ लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। बट आई थिंक मेरे ख्याल से अब लगता है कि एक उम्मीद की किरण जगी है, और अभी फ़िलहाल रोड का निर्माण कराया जा रहा है महिलाओं के द्वारा। तो अभी आप देख सकते हैं रहा इसका कंडीशन। सो गाइज अभी मैं आपको जो रोड है शुरू से लेकर के इसका जो अंतिम छोर है वहाँ तक बाइक के माध्यम से आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और इस रोड पे अभी हम बाइक राइड भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए बने रहें इस ब्लॉग पे कंटिन्यू, एंड अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Through the highways, till my shadow.